सोमवार को दुर्ग कलेक्ट्रेट सभागृह में जनपद सीओ के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग जिले के खेल संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। चर्चा में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयास एवं स्टेडियम खेल मैदानों के बेहतर रखरखाव के बारे में समीक्षा संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा कई प्रकार की मांगे प्रशासनिक अधिकारी के सामने रखी गई। बैठक के उद्देश्य के बारे में दुर्ग जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष अंसार अहमद ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। अंसार अहमद, जिला हॉकी संघ अध्यक्ष दुर्ग। आज सीओ साहब के द्वारा खेल संघों की बैठक बुलाई गई थी, जिले में जो पहली बार आयोजित की गई थी, और उन्होंने आज अपने जिला प्रशासन की मंशा को जाहिर करते हुए कहा कि जिले के अंदर खेल का स्ट्रक्चर बढ़ाना है और खेल से लोगों को जोड़ना है, जिसके लिए खेल संघ जो कार्यरत हैं उनकी मंशा जाहिर की और उनसे रिक्वायरमेंट जो थी उन्होंने जानना चाहा था कि कहाँ क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उस हिसाब से एक प्रोग्राम तैयार किया जाएगा जिला प्रशासन के साथ मिलकर, जिससे आने वाले समय ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेल से जुड़े। जो ग्राउंड की जनरलिक बेसिक चीज़ जैसे ग्राउंड की फेंसिंग, ग्राउंड की मेंटेनेंस, चेंजिंग रूम्स, वॉशिंग रूम, पानी की समस्या, ये जो हम लोग को सामना करना पड़ता है उसके लिए हमने सारी चीज़ बताई है। और शासन स्तर पे भी ग्राउंड में कोई कोचेस नहीं है, उनकी भी जानकारी उनको दी है कि इस तरीके से कोचेस वहाँ इन्वॉल्व करें ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समय सिखाया जा सके।